नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड एनिमे में आपका स्वागत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ अभी अक्टूबर के मंथ में, देखिए आप इधर से देख सकते हैं कि सभी में थोड़ा बहुत फूल खिला हुआ है, और उधर भी फूल देख सकते हैं कि उधर भी सिंगल पेटल वगैरह बहुत खिला हुआ है। मैं सिंगल पेटल एक जगह रखा हूँ और रोजी वैरायटी एक जगह रखा हूँ ताकि हमको भी समझ में आए। तो इस वीडियो में मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि फूल का जो कली होता है सिंगल पेटल में और रोजी वैरायटी में क्या क्या डिफरेंट होता है, और रोजी वैरायटी के कली क्यों नहीं खुलते हैं जाड़े के मौसम में, बरसात के मौसम में कली आधा पर ही खुल के रुक जाता है या ब्लैक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कली है ये पूरी तरह नहीं खिला है, आधा पर ही कली ब्लैक होकर रुक गया है। या बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ओ सर मेरे कली खिल के झड़ जाते हैं, कली खुलता ही नहीं है, तो आखिर ये कैसे होता है, क्यों ऐसा होता है। जब किसी पेड़ में देखिए कि इसका आप देख सकते हैं कि कितना रेयर कलर है और ये ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। आप गूगल पर सर्च मारिएगा, यही ब्लैक ब्यूटी, ये अभी ओरिजिनल कलर, जबकि इससे पहले जो भी खिला था, जबकि ये दोनों फूल की तुलना कीजिएगा तो दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आएंगे, जबकि दोनों एक ही पेड़ के फूल हैं। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि फूल का कली, मतलब ये भी देखिए कि कली पूरा खिला हुआ है, ठीक है, और जबकि इसका कली देखिएगा तो साइड में ब्लैकनेस हो गया है, कली अच्छा नहीं खिला हुआ है। या देखिए आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक हो गया, ये जो भी, या इसमें ब्लैक हो गया, पूरा फूल खिला जबकि अंदर ब्लैक हो गया। जब अंदर ब्लैक हो गया या ये हो गया तो ये फूल का क्वालिटी, मज़ा नहीं आएगा, मतलब अट्रैक्शन ख़राब हो गया इसका। तो क्यों होता है ऐसा, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बारिश के टाइम में जो भी बारिश होता है तो कली में ये घुस जाता है, ये कली के पंखुड़ी में अंदर चले जाता है, जिसके तहत जैसे आप अगर न्यूज़पेपर होता है वो न्यूज़पेपर को भिंगा के और उसको एक पर एक रख दीजिए और उसको फिर झाड़िएगा तो झरेगा नहीं, वो सूख, मतलब वो हटेगा नहीं, वो सटा ही रहेगा। उसी तरह ये कली भी होती है, कली में अगर थोड़ा सा भी पानी चला गया, क्योंकि ये बंधा हुआ कली है ना, कि सिंगल पेटल में बंधा नहीं रहता, सिंगल पेटल में एक ही लेयर रहता है, जबकि इसमें दो लेयर तीन लेयर ऐसा करके रहता है। तो अब तो उसमें अब मैं अपनी सिंगल पेटल के प्लांट में चलता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो आइए हम अपने सिंगल पेटल के प्लांट में चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जो सिंगल पेटल है या ये सब सिंगल पेटल हैं, इसमें एक ही लेयर होता है। अगर ये मतलब इसके अंदर कोई लेयर नहीं होता, मतलब एक ही लेयर होता है, जबकि रोजी वैरायटी में बहुत सारे लेयर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जब कली जुई होती है तो भींगी हुई रहती है पानी की वजह से या शीत की वजह से, जिसके कारण वो खुलती नहीं है और ब्लैक होकर झड़ जाती है। तो और सिंगल पेटल में ये प्रोसेस नहीं होता, सिंगल पेटल जब ही कली लेगा तो वो पूरी तरह खिलेगा ही खिलेगा चाहे कोई भी मौसम हो, वो इस तरह से ख़राब नहीं होता है। जिसमें रोजी वैरायटी में यही प्रॉब्लम चलता है, एक ही प्रॉब्लम है कि वो कली कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, इसका आप भी गारंटी नहीं ले सकते, कोई गारंटी नहीं लगेगा कि कली खुलेगा ही खुलेगा। तो इसमें आप इसको यही रखना है कि ड्राई नुमा रखना है, मतलब ड्राई नुमा रहेगा। देखिए अभी मेरे सारे गमले ड्राई नुमे हैं, इसी कारण से कुछ पौधे में कली अच्छी दिख रही है, फूल दिख रहे हैं, नहीं तो अगर भींगा हुआ नमी रहता तो पौधे नमी से ही फूल पर, मतलब मिट्टी के नमी से ही वाटर से ही वो फूल को इफेक्ट करता है, फूल को ख़राब करता है। तो बस यही है कि आपको शीत के मौसम में, बारिश के मौसम में, जाड़े के मौसम में आपको ये प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा, जबकि गर्मी के मौसम में आपको ये प्रॉब्लम दिखने को नहीं मिलेगा। तो बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बताया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप मेरे इस इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और मेरे जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हट के मैं वीडियो बनाता हूँ और अच्छा ही इन्फॉर्मेशन दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।